हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी। टुडेज टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट। हमारा आज का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। एज यू ऑल नो दैट एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप सभी जानते हैं एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने लास्ट के वीडियो में भी जो है पढ़ा है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पढ़ी थी जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन। लाइक बिजनेस एंड प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आज हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। कैसी एक्टिविटी? जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करेगा, बट वो क्यों करेगा? इन रिटर्न ऑफ देयर एफर्ट, अपने काम के लिए वो क्या लेगा? दे रिसीव मनी। जो वो काम किसी को करके दे रहे हैं उसके एवज में उसके लिए वो क्या ले रहे हैं? मनी ले रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं कि किसी के अदर पर्सन के अंडर कोई काम करे पैसे के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें, एक बैंक मैनेजर, एक टीचर, एक डॉक्टर, क्लर्क, ये सभी किसके अंडर आते हैं? किस एक्टिविटी के अंडर आते हैं? एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी के अंडर आते हैं। देखिए, बैंक मैनेजर जो है अपने बैंक में काम कर रहा है, अपने ओनर के लिए काम कर रहा है। एक टीचर जो है अपने स्कूल में काम कर रहा है, अपने स्कूल के ऑनर के लिए काम कर रहा है। एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी की नीड है। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको प्रोफेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था डॉक्टर इज ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल्स है जो वो सोसाइटी में सर्व करता है। तो डॉक्टर तो एक प्रोफेशन एक्टिविटी करता है। तो आज मैंने आपको बोला डॉक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? एक्टिविटीज का फर्क है। जब एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज को किसी ओनर को नहीं देता, अपनी सर्विसेज खुद पब्लिक को देता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन किया, अपने क्लिनिक को चला रहा है, तो डायरेक्ट सर्विसेज किसको दे रहा है? लोगों को सर्विसेज दे रहा है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। तब तो डॉक्टर क्या कहलाएगा? प्रोफेशन एक्टिविटी। अगर यही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर का जो है किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी। तो यहाँ ये डिफरेंस समझना जरूरी है। एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट में टू पर्सन इंपॉर्टेंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट देने वाला और एक एम्प्लॉयमेंट जो ऑब्टेन कर रहा है। उस दो पर्सन को क्या बोला जाता है? वन इज एम्प्लॉय एंड सेकेंड इज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन होते हैं? हु वर्क फॉर अदर, जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। और एम्प्लॉयर क्या होते हैं? हु एम्प्लॉयज अदर, जो दूसरों को काम देते हैं उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या विशेषताएं हैं एम्प्लॉयमेंट की? फर्स्ट जो है करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। सर्विस टू अदर, ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। हमने अभी बोला एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन दूसरे को अपनी सर्विस देता है, दूसरे के लिए काम करता है, खुद के लिए तो नहीं कर रहा। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा? सर्विस टू अदर, दूसरों को काम करके देना। जैसे एग्जांपल देखें, एक फैक्ट्री वर्कर गिव्स सर्विसेज टू फैक्ट्री ओनर। फैक्ट्री के मालिक के लिए फैक्ट्री वर्कर काम कर रहा है, वो खुद के लिए तो काम नहीं कर रहा। तो पहली करैक्टरिस्टिक्स जो हम बात कर रहे थे, सर्विस टू अदर। सेकेंड जो है करैक्टरिस्टिक्स पे आएंगे हम लोग, पर्सनल सर्विस। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये करैक्टरिस्टिक है। पर्सनल सर्विस का मतलब एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। एक जो एम्प्लॉय है उसको क्या करना पड़ेगा? खुद की सर्विस खुद देनी पड़ेगी, खुद के बिहाफ पर किसी और को हायर नहीं करेगा, वो अपनी सर्विस खुद दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, तो मैं अपनी सर्विस स्कूल को मैं खुद दूंगी, मेरे बिहाफ पर किसी और को काम करने के लिए नहीं भेजूंगी।
जहां एम्प्लॉयमेंट जिस पर्सन को मिला है वही एम्प्लॉयमेंट अपना काम करके देगा, उसको बोलते हैं पर्सनल सर्विस, खुद की सर्विस देना, किसी और की सर्विस नहीं लेनी, खुद की सर्विस लेनी है। नेक्स्ट आता है सर्वेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है ऑब्टेन कर रहा है वो क्या है, ही और शी इज ए सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, हिज और हर मास्टर। जो एम्प्लॉय है वो अपने मास्टर का या अपने ओनर का सर्वेंट है, उसके अंडर काम करता है। जो भी ऑर्डर एक एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सर्वेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नीड ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय है उसको कैपिटल की जरूरत नहीं है। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, ओनर इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। जो हमारा ओनर है सारी की सारी कैपिटल किसकी होगी, उसकी ही लगी होगी। जो एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन कर रहे हैं उनको कोई भी जरूरत नहीं है कैपिटल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से चलते हैं हम लोग, नो रिस्क। देखिए बच्चों अभी हमने बोला एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक एक पढ़ी हमने, नीड ऑफ कैपिटल, जहां कैपिटल की नीड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट रिस्की भी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उस केस में जो हमारा एम्प्लॉय है उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, टोटल रिस्क गोज टू ओनर। सारा का सारा रिस्क जो है वो किस पर जाएगा, ओनर पर। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो टोटली सेफ है क्योंकि उसने कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करी, वो काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पैसा नहीं लगा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है एम्प्लॉय की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट एग्रीमेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन इन ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपको कैसे मिलता है, एग्रीमेंट के बेसिस पर मिलता है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, दो बेसिस पर बनाया जाता है। पहला बेस मैं आपको बता रही हूँ, पहला बेस रहेगा आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके का काम आपको मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स दो तरीके से काम आपको मिलेगा, एक तो आपको रेगुलर काम मिल सकता है और सेकंड वर्क आपको होगा टेम्परेरी बेसिस पर। तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर देखा जाए, अगर आपको काम मिला रेगुलर बेसिस पर, आप परमानेंट एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के बन रहे हैं, तो आप बोलोगे हमारा एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है, हमें रेगुलर बेसिस पर काम मिला है। एक दूसरे टाइप का नेचर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का, उसको हम बोलते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। वो कैसे होता है, वो पार्ट टाइम, आपको कभी जो काम मिला और कभी काम नहीं मिला। तो एग्रीमेंट में एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का मिलेगा, ये रिटर्न होगा। सेकेंड थिंग रेमोनरेशन, आपको पैसा कैसे मिलेगा, आप एक एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा, किस तरीके से मनी मिलेगा। देखिए रेमोनरेशन की बात करें तो काफी टाइप का हो सकता है, आपको सैलरी मिल सकती है, आपको कमीशन काम का मिल सकता है, आपको उस काम की फीस मिल सकती है, तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो अगर जिस भी एम्प्लॉयमेंट से आप जुड़ रहे हैं, आपको कैसा जो है उसका रेमोनरेशन मिलेगा, ये भी रिटर्न होगा एग्रीमेंट के अंदर, जिस एग्रीमेंट के बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय किस तरीके के नेचर के एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, ये भी हमें देखना होता है। एम्प्लॉयर का नेचर तीन तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, और थर्ड टाइप के हो सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है बच्चों। डायरेक्टली अगर ओनर हमारा गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे हम टीचर्स की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनका ओनर कौन होगा, गवर्नमेंट खुद होगी। अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी बोल सकते हो। देखिए अभी तक हमने जो है सेकेंड यूनिट में सिर्फ प्राइवेट बिजनेसेस की बात करी,
यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट भी अपने बिजनेस चलाती है, गवर्नमेंट भी अपने एंटरप्राइजेस चलाती है, उन एंटरप्राइजेस में काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉय। यहाँ एग्जाम्पल देते हम आपको, जो हमारा बैंकिंग है, सॉरी हमारी जो है रेलवे है, द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्या है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उस इंडियन रेलवे में काम करने वाले एम्प्लॉय कैसे एम्प्लॉय कहलाएंगे, उनका नेचर क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। थर्ड आता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जितनी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट हिंदू, जिनमें जितनी भी आपने प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, उनमें काम करने वाले लोग क्या कहलाएंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। एक प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटैलिटी, कितने सारे काम है जो प्राइवेट लोग जो हैं उनके ओनर हैं, उनको हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे। इनमें काम करने वाले लोग क्या होंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय। वेरी सिंपल। चलिए मैंने आपको 7 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन एक्सप्लेन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन तीनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे कुछ बेसिस पर। होपफुली आपको ये जो है चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।